ऑलराइट, जब तुम 10वीं बोर्ड एग्जाम पास करोगे तब एक कॉमन क्वेश्चन जरूर आएगा। व्हिच सब्जेक्ट विल यू सिलेक्ट? श्रीमान, कौन सा सब्जेक्ट में आपका जीवन बर्बाद करना चाहेंगे? आई, ऑप्शन ए फॉर आर्ट्स, बी फॉर साइंस, सी फॉर कॉमर्स। भाई साहब, और ऑप्शन नहीं मिलेगा क्या? हाँ हाँ, और मिलेगा, जरूर जरूर। ऑप्शन तो बहुत है, बहुत बहुत। ऑप्शन डी फॉर दूध वाला, धोबी वाला। ऑप्शन एस फॉर सब्जी वाला, जे फॉर झाड़ू वाला। और रुकिए भाई साहब, रुकिए रुकिए। यही होगा। टेंट एग्जाम के बाद तीन रास्ता खुल जाएगा। नंबर वन पर आता है आर्ट्स, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। नंबर टू पे आता है कॉमर्स, इतना सा डिफिकल्ट है। एंड फाइनली नंबर थ्री पे आता है नहीं बताऊंगा। तुम सबको पता है? पता है ना, हम सब के चहेते प्रेजेंटेड द साइंस सब्जेक्ट। इसका डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो सुपर हार्ड तक चला जाएगा। और मैंने चूज किया सबसे इजी वाला सब्जेक्ट साइंस। तो जहाँ तक तुम लोगों को पता है, ये सब्जेक्ट कुछ स्पेशल मार्क्स से ही मिल सकता है। ओके, मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, मैं कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं था, ना ही कोई बैक बेंचर। मैं इन दोनों का बीच में था, मिडिल टाइप स्टूडेंट। तो साइंस लेना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल सा होता, मगर फिर भी बहुत मेहनत करके, कैलाश पर्वत पर चढ़ के, हाथ मुंह धोके, कोरोना की दया से साइंस लेना एक बच्चों का खेल बन गया। ये फ्री मार्क्स, लूट लूट। यह ऐसा वक्त था कि नल्ले बच्चे भी साइंस को एक नाटक समझने लगे। साइंस एक नाटक का नाम है। तो मैंने आर्ट्स क्यों नहीं लिया पता है? कॉज मुझे लगता था कि आर्ट्स बोले तो डांस, टेनिस, पेंटर, हंटर, छछुंदर ये सब होगा, मगर ऐसा होता ही नहीं। बिकॉज आर्ट्स में ना फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज, ये तो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। एवा, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आर्ट्स में इतना सब्जेक्ट होता ही नहीं। तो मेरे को गुस्सा आ रहा है, ऐसा मत कर, तू वीडियो बंद कर रहे। चुप, बिल्कुल चुप। और मैंने कॉमर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि कॉमर्स मतलब बिजनेस लाइन, जो कि मैथ से इंटरकनेक्टेड है। मुझे मैथ पसंद नहीं, तो ये सब्जेक्ट भी होता है कैंसिल। ब्रो, तूने साइंस लिया है मगर तुझे मैथ पसंद नहीं, पर साइंस में भी तो मैथ होता। तो पहले कहानी सुनो। सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं। हेलो, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। हाय, हेलो हेलो, ये तू कौन सा सब्जेक्ट लेने वाला है रे? अरे मैं तो साइंस ही लूंगा। ये हम लोग भी साइंस लेने वाले हैं। सुन सुन, ये तो दो दिन बाद हम लोग ट्यूशन जाएंगे, ओके ना? हाँ, ये तो तू तो ये नोटिस कर ले। ओके, मंडे फ्राइडे हम फिजिक्स जाएंगे सुबह में, और ट्यूजडे सैटरडे में हम बायोलॉजी सुबह में होगा। ओके, ये तू सुन रहा है कि नहीं, बोलना। ए बालू, तुम मुझसे सुपारी निकाल के बात करना रे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये छाछूंदा, मैं तेरे को बाद में मैसेज कर दूंगा। ये तू भाग रही। अरे मैं थीनी फार पहुंच करके आया था, मैं खेल के आता हूँ। भाई एक उतरी है, तू जा रही। हाँ तो सुन, वो इधर शाम देखो की मिस्त्री होगा दोपहर को, ओके? और मानदे थास दे में मैथ होगा शाम को, ओके ना? ओके ओके, शाम को मैथ। एक सेकेंड, मैथ। ये दोस्त हम चोरेंगे, हड्डिया तोड़ेंगे। अरे तेरे बाजू में कौन चुड़ैल के जैसा हंस रहा है रे? तेरे दोस्तों में कोई मैनर नाम की चीज है कि नहीं? जिससे पीछा छुड़ाना चाहता था वही फिर से पीछे लग गया।
मुझे क्या पता था कि साइंस में पूरा एक मैथ बुक आ जाएगा। मुझे तो लगा था कि सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स में ही थोड़ा बहुत मैथ होगा। तो द मेन टॉपिक, मैंने साइंस लिया है क्यों, जिसकी वजह से तुम लोग इतनी देर से मेरा वॉच आओ वॉच कर रहे थे, तो वो अब बताऊंगा। हाँ, क्योंकि मेन टॉपिक बोलने में तो एक मिनट भी नहीं लगेगा, इतने देर से मैं इंट्रोडक्शन देके इसीलिए टाइम पास कर रहा था। हाँ, तो बहुत लोग लगेगा कि मैं साइंस रॉब दिखाने के लिए लिया था। हाँ, वो भी तो बात है। अरे बाप रे, इसने तो साइंस लिया है। ओह, ये कितना ज्ञानी होगा। वाओ, मैं भी साइंस लूंगा। रियलिटी में ऐसा थोड़ा ही ना होता है। अरे कल एग्जाम है, कोई नहीं, बस तीन ही तो सब्जेक्ट है। भाई तू मैथ को कैसे भूल सकते हो, तो साइंस का बाप है ना। और तू तो ये दोनों सब्जेक्ट भूल ही नहीं सकता ना, ये तो कॉम्पल्सरी सब्जेक्ट है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से सबको ज्यादा मार्क्स मिलने लगा, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ही बिना सोचे समझे साइंस लेना शुरू कर दिया, यहाँ तक बैक बेंचर्स भी। और मैं स्कूल में फोर्थ रैंक्ड बॉय था। अरे भाई तू तो टॉपर निकला। अरे नहीं नहीं, मैं उतना भी टॉपर नहीं। हाँ, तो इसी वजह से मुझे साइंस लेना पड़ा, अगर ना लेता तो क्या होता। जी, इस मन बुद्धि ने चार रैंक करके भी साइंस नहीं लिया। मैं तो अपने जमाने में पांचवी फेल थी। तो वीडियो खत्म। तो मैंने लास्ट में बोला था कि मेन टॉपिक बोलने में एक मिनट लगेगा, चलो उसी बहाने तुम लोग ने दो मिनट से ज्यादा वीडियो देख लिया। जाते थे कमेंट में जरूर बताना वीडियो का कौन सा वाला पार्ट ज्यादा अच्छा या रिलेटेबल था। और अगर वीडियो देख के तुम लोग लगता है कि मैं तुम लोगों को साइंस लेने में मना कर रहा हूँ, तो देखो मैं तुम लोगों को साइंस लेने में मना नहीं करूँगा, मगर इशारा जरूर करूँगा। और अगर तुम लोगों को लगता है कि मुझे मैथ पसंद नहीं, तो हाँ मुझे मैथ पसंद नहीं। भाई भाई तू आरजी के जैसा होने लगा है। सच में? देख मैं तेरा तारीफ नहीं कर रहा। लास्ट वीडियो कब आया था?